अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के साथ मौजूदा विधायकों को लेकर पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करने उनके निवास स्थान चंडीगढ़ राज्य भवन पहुंचे। वड़िंग ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के जरिए इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री में जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल साइन किया गया है वो संविधान के खिलाफ है। राजा वडिंग से खास बातचीत की है हर खबर के ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने, आप भी सुनिए। आप ये देख सकते हैं कि इस समय तस्वीरें कि राजभवन से बाहर जो है राजा वडिंग किसी भी समय बाहर आ सकते हैं अपने नेताओं के साथ। आज वो गवर्नर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और पंजाब में कानून व्यवस्था के चलते ज्ञापन देने की बात जो है वो सूत्र बता रहे हैं। लगभग आधे घंटे के करीब जो है ये बैठक चली है गवर्नर हाउस में, ये बैठक चली है राजभवन में। और अब आप ये देख सकते हैं कि कुछ ही क्षणों में राजा वडिंग जो है बाहर आ रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग किसी समय बाहर आ सकते हैं और नेताओं के साथ, पंजाब के सीनियर नेताओं के साथ गवर्नर को मिले हैं। देखिए, प्रताप सिंह बाजवा उनके साथ हैं और राजा वडिंग के साथ प्रताप सिंह बाजवा हैं और साथ में चब्बेवाल, मौजूदा विधायक चब्बेवाल यहां पर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं राजा वडिंग अंदर गवर्नर से बातचीत करने के उपरांत यहां पर पहुंचे। अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर। आप सर किस मुद्दे लेके मुलाकात? आज काफी गवर्नर साहब नु, मैं ते सीएलपी साहब ते तमाम साथी काफी मुद्दे ते डिस्कशन हुई पंजाब दे मुद्दे ते, लेकिन दो अहम मुद्दे सन। एक ता जेड़ा एमओयू साइन कीता है दिल्ली सरकार नाल पंजाब सरकार ने, और दूजा मसला जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर दा है। ये दो असी मेमोरेंडम अज गवर्नर साहब नू सबमिट करके आए हैं। एमओयू जिहड़ा साइन किया है एक्नॉलेजमेंट शेयरिंग वाला, और ते मैं थानू दसना चाहना है कि पंजाब के लोग महसूस कर रहे हैं कि जिवें सानू दिल्ली वालों नू गिरवी दे दिता होवे, ठेके दे दिता हो। ये पंजाब के लोगों का दर्द सीगा, तकलीफ सी, पीड़ा सी कि जदों केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर ऑफिसर साहबाना नू सद के बिना मुख्यमंत्री साहब दे मीटिंग कीती ते इंस्ट्रक्शन दित्तियां, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। मेरा ख्याल अज असी गवर्नर साहब को बेनती की है, उस तो बाद उन्होंने टाइम उन्होंने कहा कि मैं इनू चंगी तरह पढ़ लैन दो, जो भी उस तो बाद टिप्पणा टिप्पणी आँदी है जो गल दस दे, फिर उस तो बाद अगली जी रणनीति होगी ज अगली की कार्रवाई होगी वो थानू दस दी जाएगी। सलाह ले ली होगी आपके माहरां दी भी सलाह ले ली होगी कि इहदे विच कानूनी तौर ते भी समझौता होया? बिल्कुल, कानूनी माहरां दी राय लै के उस तो बाद प्रॉपर जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन दे जिहड़े सैक्शन उह लिख के थानू भी उहदीआं कॉपीज दे दित्तीआं जाणगीआं। अदरवाइज असी गवर्नर साहब नूं एमओयू साइन देना ही नहीं सीगा। सो माहिर इह गल कहिंदे ने कि इह बिल्कुल एग्रीमेंट हो ही नहीं सकदा, ये सरासर गलत साइन होया, ये
रद्द होगा 100%। उन्होंने कहा कि हम गवर्नर को MOU दे करके आए हैं, प्रताप सिंह बाजवा CLP नेता उनके साथ थे, और साथ ही राजा वडिंग ने कह दिया 156 सेक्शन जो है और 166A जो सेक्शन है उसमें MOU किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ किया नहीं जा सकता, और यही कारण है उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से ये एग्रीमेंट, ये MOU जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच हुआ, उसे तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। ये साफ तौर पर राजा वडिंग ने गवर्नर साहब के पास जाकर के ये चिंता जताई है, और गवर्नर साहब ने, जैसा कि राजा वडिंग बता करके गए हैं, गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो इसे स्टडी करेंगे और उसे जो वाजिब एक्शन लेना होगा इस पर वो एक्शन लेंगे। राजनीति में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पंजाब में इस समय बहुत सरगर्म होती जा रही है। इस समय हम बिल्कुल राज्य भवन के बिल्कुल बाहर हैं और राजा वडिंग भी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कल से ही अपने हर कार्यकर्ता और साथ ही जिला के प्रधानों के साथ बैठक करने के बाद राजा वडिंग ने यह बात कही थी कि आने वाले समय में पंजाब में विपक्ष की बखूबी भूमिका जो है कांग्रेस पार्टी निभाने वाली है। उसी के चलते आज पहला कदम हम कहेंगे कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अपनी टीम के साथ, अपने नेताओं के साथ गवर्नर से बैठक की है। देखते रहे हर खबर, कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से।